परिवार, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे आई बाबा हमारे साथ नहीं रहते। हमारे माता पिता निर्धन हैं और साहूकार के ऋणी भी। घर में एक कौड़ी नहीं थी जिससे माता पिता हमारा पालन कर सके, हमारा विवाह कर सके। इसलिए उन्होंने साहूकार की पत्नी से हमें काम पर रखने के लिए विनती की, किंतु हम बेबस हैं क्योंकि जब तक हमारे विवाह के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो जाती, हमें यहीं रहना है। देखो, मेरे बहन के हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं। इतना कठोर परिश्रम कैसे कोई करवा सकता है? ये तो अनुचित है। विवाह के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता है? मंदिर में जाकर फेरी लेकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर भी तो विवाह किया जा सकता है ना? इस गांव में स्त्री धन लिए बिना विवाह नहीं होता और माँ बाबा ने वर तो निश्चित कर दिया है, किंतु स्त्री धन के लिए सारा धन हमें ही जुटाना है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ताई तो ये विवाह करना ही नहीं चाहती, वो तो किसी और से प्रेम करती है। क्या ये सत्य है गौरी? हाँ, लेकिन प्रेम से क्या होता है? एक निर्धन कन्या के प्रेम का इस समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यदि मैंने प्रेम विवाह किया तो मुझे भी गांव वाले ऐसे ही निकाल देंगे जैसे आपको निकाला गया था। हम ये जान नहीं लेते कि तुम्हारा पति कौन है तब तक निश्चित नहीं हो सकता कि तुम्हें करवीरपुर में शरण मिलेगी या नहीं। पर आज भोर में साहूकार की पत्नी कह रही थी कि आप एक चरित्रहीन स्त्री और किसी को आपसे बात नहीं करनी चाहिए, किंतु आप तो बहुत ही निर्भय और साहसी हो। सबके सामने स्पष्टता से कह दिया कि आप किसी से प्रेम करती हो और उसके साथ आपका विवाह हुआ है। मेरा विवाह तो हुआ है किंतु मेरे पति मेरे साथ नहीं है। किंतु मुझ में वो साहस नहीं है भार्गवी ताई। आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जब से अब उस घर से लौटी है तब से ताई ने कुछ भी नहीं खाया है, जल तक ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें दुख था कि उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया। देखो, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, क्या हम साथ में मिलकर भोजन ग्रहण करें? वैसे एक बात कहूँ, आज जब मैं गांव में उमा को ढूंढ रही थी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ के लोगों में कितनी लालसा है, कितनी स्वार्थी हैं वो। ऐसे में तुम दोनों जैसी पवित्र मन की कन्याओं का होना मुझे थोड़ा विचित्र लगा। कैसे इतना संकट मोल कर तुमने मेरी सहायता कर दी, ये ज्ञात होते हुए भी कि गांव वाले तुम्हें आहत कर सकते हैं, फिर भी तुमने मेरी सहायता की, क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उस दिन जब गांव की बैठक में मैंने आपको देखा कि कैसे आपने दृढ़ता से अपना प्रेम स्वीकारा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपकी समस्या क्या है, जब ना विवाह अपवित्र है और ना ही प्रेम, फिर कठिनाई कहाँ है? मुझे आपकी वाणी में एक पीड़ा दिखी
जो एक सच्चे प्रेमी को भोगनी ही होती है। लगा कि हम दोनों में इस पीड़ा का संबंध तो है ही, इस पीड़ा के लिए ही सही हम मित्र तो बन ही सकते हैं। और मित्रों की सहायता तो करनी ही होती है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था? क्या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा? क्या जिससे आपने प्रेम किया वो एक अच्छा मनुष्य नहीं? ऐसा कभी मत कहना, वो एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और मुझसे असीम प्रेम करते हैं। और आप? मैं? मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब मुझे उससे प्रेम हो गया। जैसे वायु के आने के पूर्व हमें ज्ञात नहीं होता कि कैसे वो हमारे मन को मुक्त कर देने वाली है, जैसे वर्षा के आने से पूर्व हमें ज्ञात नहीं होता कि कैसे उस वर्षा का जल हमें पूर्ण रूप से भिगो देगा, ऐसे ही वो आया और आता ही चला गया। प्रतीत होता है जैसे जैसे हमारा संबंध जन जन्मांतर का है। आज भले ही हम साथ में नहीं है, किंतु आज भी मैं उससे उतना ही प्रेम करती हूँ, अटूट प्रेम करती हूँ। उससे मिलने के पश्चात मुझे प्रेम का अर्थ समझ में आया, मेरे जीवन का अर्थ समझ में आया। अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भी समस्या को सुलझा सकती हूँ उसके प्रेम के साथ। तो फिर आप उसे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? ये समझ लो कि मुझे उसकी प्रसन्नता के लिए उसे छोड़कर आना पड़ा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ गौरी कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिले, तुम्हारा विवाह शंकर के साथ ही हो। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। हे नारायण, यदि मैंने श्रीनिवास से सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि मैं गौरी और शंकर को एक करके ही रहूंगी। ज्ञात नहीं कि आप ये प्रण कैसे पूर्ण करेंगे, किंतु मुझे आप पर अटूट विश्वास है भार्गविताई। वैसे ज्ञात तो मुझे भी नहीं है ये प्रण मैं कैसे पूर्ण करूंगी, किंतु पूर्ण विश्वास है कि नारायण इसमें मेरा साथ अवश्य देंगे। मैं तो जीवन के हर कार्यों में तुम्हारे साथ हूँ भार्गव, और अब तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य भी मिल चुका है। जिसको तुम्हें ढूंढना है उसे ढूंढने दो, जितने प्रयास करने हैं उसे करने दो, जब उचित समय आएगा तो तुम्हारा ये श्रीनिवास तुम्हें अवश्य ढूंढ लेगा। एक अत्यंत विशेष उद्देश्य आरंभ हुआ है तुम्हारा इस कन्या गौरी के साथ, ये भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण थी, पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। आप चाहे जो कुछ भी हो, मेरी श्री को इस संसार को प्रेम समझाना है।